वीडियो एक्सप्रेस में आप थीम्स को क्रिएट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। थीम मॉडिफाई करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कीजिए टाइटल स्क्रीन और पेजेस के लिए अलग-अलग थीम बना सकते हैं। आपके हिसाब से थीम की बैकग्राउंड, फ्रेम और क्लिप आर्ट चेंज कर सकते हैं। आप आपके बनाए हुए बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट और फ्रेम को यूज कर सकते हैं। आपकी बनाई हुई बैकग्राउंड्स, क्लिप आर्ट्स और फ्रेम्स सॉफ्टवेयर में लाने के लिए ब्राउज बटन पर क्लिक कीजिए। याद रखिए, आपके बैकग्राउंड्स जेपीजी और क्लिप आर्ट और फ्रेम पीएनजी यानी 32 बिट में होने जरूरी है। अब टाइटल स्क्रीन पर क्लिक करके आप आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को मैचिंग फ्रेम डाल सकते हैं और क्लिप आर्ट्स यूज कर सकते हैं। इन सब को हम लोग ने अरेंज कर लिया। फिर टाइटल स्क्रीन के लिए जो भी टाइटल देना है टाइटल दे सकते हैं। वैसे ही अभी आपको इनर पेज बनाना है तो इनर पेज पे क्लिक करना है। इनर पेज में आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए बैकग्राउंड सिलेक्ट करनी है। आपको जो फ्रेम डाल के रखनी है फ्रेम डाल के रखिए। अभी एग्जिस्टिंग जो कैटेगरी है आपकी उस पे सेव करना है इस थीम को तो सेव बटन पर क्लिक कीजिए। या आपको खुद की नई कैटेगरी बनानी है तो न्यू कैटेगरी बटन पर क्लिक कीजिए। आपका कैटेगरी का नाम लिखिए, ओके कीजिए और सेव एज बटन पर क्लिक कीजिए। यानी आपकी ये थीम आपके दिए हुए अलग नाम से सेव हो जाएगी।